एक दिन ठाकुर जी रूस गए सवेरे सवेरे, रूस ना जानते हो ना, मान कर गए। मैया मनामते मनामते परेशान है गई, लाला तेने सवरो अपनो श्रृंगार बिगार दियो, का बात है काई को रो रहे हो, अपने रोवे को कारण तो बता। तो बाल कृष्ण प्रभु बोले, मैया अब मैं माखन मिश्री खाए खाए के खूब पुष्ट है गयो हूँ, सो अब मैं गैया चराऊंगो। मैया बड़ी जोर से हंसी, बोले लाला अभी 4-5 साल को तो तू है, कुल 4 साल को है। महाराज जी ठाकुर जी ने 4 वर्ष की आयु में बछड़ा चराना शुरू कर दिया, 4 वर्ष की आयु, वत्स चारण लीला ठाकुर जी की 4 वर्ष की आयु की लीला है। ठाकुर जी बोले हम कलयुग भी नहीं करेंगे, श्रृंगार भी नहीं करेंगे, हम गैया चराने जाएंगे। तब मैया बाबा ने समझाया, लाला देख ऐसो अभी तू बछड़ा बछिया ने चराए लायो कर, बछड़ा बछिया चरा लाओ, जमुना जी का जल पिला लाओ, बच्चों के साथ खेलना कूदना भी हो जाएगा। तो ठाकुर जी वत्स पालव बभू वतु, वत्स पालव में द्विवचन है, बभूतु जो क्रियापद है वो भी द्विवचन का बोधक है, इसका मतलब कृष्ण बलराम वत्स पालव बभूवतु, कृष्ण बलराम दोनों बछड़ा चराने वाले हो गए, वत्सपाल बन गए। ये भगवान की प्रथम वत्सचारण लीला है और इसके बाद भगवान की गोचारण लीला है। बोलो वत्सचारी भगवान की जय। कैसे लीला शुरू हुई ध्यान से सुने, बछड़ा बछिया लेके ठाकुर जी जाते हैं तो कैसी कैसी लीला करते हैं वन में। क्वचित वादय तो वेणुम क्षेपण क्षिपत क्वचित क्वचित पादैः किंकणी भी क्वचित कृत्रिम गोवृषैः। कहीं कहीं ठाकुर जी बांसुरी बजाने लग जाते हैं, छोटे से बालकृष्ण 4 साल के बालकृष्ण त्रिभंग ललित होकर बांसुरी बजाते हैं। यद्यपि ये तो सकल कला कलादि गुरु हैं, संपूर्ण कलाओं के आदि गुरु तो श्री कृष्ण ही हैं। कृष्णम बंदे, आगे क्या है, कृष्णम बंदे जगत गुरुम, ये तो सबके गुरु हैं, इनका चेला बनने की जरूरत थोड़ी है किसी का। ये तो जिनके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता है, जो संपूर्ण ज्ञान का आकर है, उन्हें भला किसका चेला बनने की जरूरत। पर ठाकुर जी लीला में सब काम करते हैं। भगवान का एक सखा, उस सखा का नाम था तोक, तोक नाम का सखा बांसुरी बजाना बहुत अच्छी जानता था। तो कबो कबो तोक सखा बांसुरी, आयु में बड़ा था ठाकुर जी से, ठाकुर जी 4 साल के, अब वो भगवान से 5 साल बड़ा था, तो कितने साल का हो गया, 9 वर्ष का। वो बांसुरी बजाता था बहुत बढ़िया, 9 साल का बालक बांसुरी बजाता। तो ठाकुर जी ने कहा, भैया तोक कृष्ण तू हमें बांसुरी बजाए वो सिखाए दे। देखो भैया ब्रजलीला सुना रहे हैं, यहाँ कोई परमात्मा की लीला नहीं है, यहाँ तो ठाकुर जी ऐश्वर्य को छिपा करके लीला कर रहे हैं। तो सखा बोलो ठाकुर जी से कि हम का तेरे बाबा के नौकर लग रहे हैं जो तुझे सिखाए दें। अरे तेरे तेरे बाबा नंद पे 10-5 गैया ज्यादा है, हम पे कम है, या ते हम तो ते कछु घट थोड़े ही हैं, हम तो तोते बढ़े ही हैं। तो ठाकुर जी बोले कैसे सिखाओगे सो बताओ। अरे ऐसे सिखाई जाए, चेला बन के सीखी जाए, हमारो शिष्य बन हमारो चेला बन। ठाकुर जी बोले हमें बताए दो, हम तो जान ही ना है चेला कैसे बने हो जाए। बोले कछु जा फूल पत्ती तोड़ ला और पुष्प हमारे चरणन में अर्पित कर और अपनो पटका बिछा दे शिला पे, कलयो गुरु महाराज आसन पर बैठो सो पूजा हैगी, और कछु फूल चढ़ाए दो और फिर लंबी दंडौत करो, फिर धीरे धीरे हमारे पाम दबाओ, कहो गुरु जी आप अपनी सेवा सो राजी है गए हो तो आप कृपा करके हमें एकाद सरगम बांसुरी को सिखाए दो, मैं प्रसन्न है जाऊंगा तो एकाद सरगम सिखाए दूंगा। ठाकुर जी ने
ठीक वैसे ही किया, एक शिला पर अपना पीताम्बर बिछा दिया, उस पर तोक को बिठा दिया, कुछ फूल ले आए, फूल चढ़ा दिए, कुछ फल अर्पित कर दिए, लंबी डंडौत करके धीरे धीरे चरण दबाए, गुरु जी बांसुरी सिखाए दो। ये नाटक देख लिया और सखाओं ने, तो सब सखा खेल कूद उड़ के आ गए। क्यों रे तोक, कहा है रवे, तू ऊपर बैठो भयो और तेने कन्हैया नीचे बैठा है राख्यो, कहा बात है? तोक बोलियो, देखो भैया ये गुरु शिष्य को मामलो है, तुम बीच में मत पड़ो। अच्छो गुरु शिष्य को मामलो, कौन है गुरु और कौन है चेला? अरे बोले जो सिंहासन पर बैठो भयो सो गुरु, और जो नीचे बैठो भयो पामन में बैठो भयो वो चेला। अच्छो तो कन्हैया तेने चेला बना लियो, और का छोटे मोटे क्यों बना में चेला, चेला बनाने तो बड़े ते बड़े को बना में, कन्हैया बनाए हमने चेला। जमते संगीत सीखे वो आज से, बांसुरी सीखे वो। इतना सुनते ही मुदमंगल थोड़ा प्रणय कोप में भर गया। मुदमंगल बोले हो चौरे कन्हैया तेरो भेजो खराब है, भेजो समझते नहीं, बुद्धि तेरी बुद्धि खराब है गई। अरे ब्राह्मणी के बेटा के होते भये तेने गुजरी के छोरा है, काय को गुरु बनाए हो? मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण तो मैया के पेट से निकलते ही गुरु पैदा होए, जन्मना ब्राह्मण हो गुरु, ब्राह्मण तो जन्मते ही गुरु होए। और देख मैं काहू बात में घटनाओं कम ना हूँ, बड़ो पंडित हूँ मैं, और तू हमें हमते हमारो चेला बन। तोक बोले तू भोजन भट्ट लठ गमार तो पे आवे का, ए सब कछु आवे, तू खारी पिपरी बजाए वो जाने, और हम तो नाच वो गाए वो बजाए वो हंसाए वो रुवाए वो सब कछु हमें आवे। अच्छो मुदमंगल बोलो देखो कान खोल के सुन ले, हमारे जीवित रहते हुए या धरा धाम पे तू हमारे कन्हैया शिष्य नहीं बना सके, मैं चेला बनाऊंगा। तोक बोलो तू कैसे बनाएगा, मैं बनाऊंगा। अब और सखा वो पीछे क्यों रहे, वो बोले हम पे अमुक कला आवे, हम पे नृत्य आवे, हम पे गायन आवे, हम पे वादन आवे, हम पे चित्रकारी आवे, हम ते कन्हैया सीख लो, और तू कैसे, तुम दो नहीं बनाओगे, तुम दोनों झगड़ा करो तो झगड़ते रहो, हम बनाएंगे कन्हैया को चेला। अब एक नया झगड़ा शुरू हो गया, जितने सखा थे सब गुरु बनने के लिए तैयार, सब ठाकुर जी की खींचतान कर, हमारे चेला बन, हमारे चेला बन। ठाकुर जी बोले ऐसो करो तुम सब बैठ जाओ बंसी बट के ऊपर, डाली पर बैठ जाओ, सब बट वृक्ष पे बैठ जाओ, सिंहासन पे सब चढ़ जाओ, हम सबको पंचायती लंबी दंडौत करें, और आप सब हमारे गुरु और हम तुम्हारे चेला, झगड़ा खत्म करो, हमें बांसुरी सीख लें दो। कहते इसी घटना के कारण ब्रज में कहावत प्रसिद्ध है, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, और अविनाशी गुरु ब्रजवासी। भगवान अविनाशी हैं, उनके भी गुरु ब्रजवासी। अब तो महाराज बड़े प्रेम से ठाकुर जी ने बांसुरी बजाना सीखा। माई मेरे श्याम।